पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बुधवार को बरवालान में रामगंगा किनारे बने आफताब के पीतल कारखाने को ध्वस्त कर दिया। इसके पास में ही अवैध रूप से बने नईम के कारखाने को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। दोनों कारखाने अवैध रूप से बिना एमडीए से मानचित्र पास कराए रामगंगा के फ्लड जोन में सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। एमडीए की इस बड़ी कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप है, लेकिन प्राधिकरण अफसरों पर एक्शन में पक्षपात करने के आरोप भी लग रहे हैं। एमडीए ने रामगंगा किनारे बरवालान में जहां इन कारखानों को ध्वस्त किया, उसके आसपास ही कई बड़ी पीतल फैक्ट्री रामगंगा के फ्लड जोन में है। हर एक बार जब भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है तो इन फैक्ट्रीज पर आकर रुक जाता है। इसके साथ ही गंगा नदी के फ्लड जोन में खड़ी अवैध फैक्ट्रियों पर एक्शन की हिम्मत भी प्राधिकरण अधिकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। एक तरफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के डिमोलिशन के ऑर्डर करके अधिकारियों ने फाइलों में रख छोड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे मोटे अवैध निर्माणों पर रोज एमडीए का बुलडोजर गरज रहा है। ऐसे में प्राधिकरण के अधिकारी कटघरे में भी खड़े हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।